अगर मुत्तफिका उलमा बोर्ड जो सूबाई हुकूमत ने बनाया है उनकी मंजूरी के बगैर मदारस की रजिस्ट्रेशन या मदारस के हवाले से कोई भी कानूनसाजी के हवाले से कोई भी ड्रॉप सूबाई सदी के अंदर आएगा जमात इस्लामी उसको किसी सूरत में नहीं तस्लीम करेगी और किसी सूरत में भी उसको दावा नहीं करेगी, उसकी रेजिस्ट करेगी, उसकी मुजाहमत करेगी, उसको मुस्तरद हम करेंगे। मदारस में है इस वक्त बहुत बड़ा खैर का मरकज है, 2 करोड़ 20 लाख बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है, 35 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें से मदारस से सफा लेते हैं और मदारस तैयार हैं ऑडिट के लिए, तैयार है मदारस, तैयार है बैंक अकाउंट खोलने के लिए मदारस, तैयार है निसाब में हुकूमत के साथ इत्तेफाक के साथ इस्लाहात के लिए, निजामी इम्तिहानात में इस्लाहात के लिए, और मदारस ने इस हवाले से 2010 में मुआहिदा भी किया है। लेकिन वफाकी हुकूमत या हमारे यहाँ हुकूमतों की जो सोच है वो मदारस की इस्लाह नहीं है बल्कि मगरिब और यूरोप की जो मंसूबा है कि मदारस को बंद कर दिया जाए उसी की तरफ लेके जा रहे हैं और मदारस को दुश्मन तसव्वुर करते हैं। इसलिए मैं ये खुलकर ऐलान करता हूँ कि जब तक जमात इस्लामी सूबाई असेंबली में है और सूबाई हुकूमत में है, खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस दीनी मदारस की तरफ कोई मेरी आँख से नहीं देख सकता, कोई मेरी आँख दीनी इदारे की तरफ उठने वाले हाथों को हम तोड़ देंगे, दीनी मदारस की तरफ उठने वाले हाथों को हम काट देंगे। और अगर इस हुकूमत ने हमारी मौजूदगी में हुकूमत के अंदर दीनी मदारस के हवाले से ऐसी कानून साजी की जिस पे 5 बोर्ड मुत्तफिक ना, जिस पे हुकूमत सूबाई हुकूमत की अपनी तशकील करदा मुत्तफिका उलमा बोर्ड मुत्तफिक ना हो तो वो दिन हमारी इस सूबाई हुकूमत में रहने का आखिरी दिन हो। और हाँ, आराम से हुकूमत से निकलकर आराम से नहीं बैठेगी, हम ऐसे किसी हुकूमत के वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे और किसी हुकूमत के वजूद को इस सरजमीन के ऊपर गवाह नहीं करेंगे जो मदारस के खिलाफ इकदाम करें और रियासती इदारों को और कानून की ताकत को मदारस के बंदिश और मदारस के वजूद के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करें। इसलिए मैं सूबाई हुकूमत से ये मुतालिबा करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो जल्दी में और जल्दबाजी के अंदर और हैजरअंदाज से और प्रीमेच्योर स्टाइल से कोई ऐसी कानून साजी ना करे।